अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू होम प्लस। तो चलें जी, आज हम बना रहे हैं जी कढ़ाई। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें जी, क्या ना करें, और बस सिंपल सा हल है जी। आज सोचा कि आज बनाते हैं कढ़ाई, क्योंकि हमने गोश्त खा लिया काफ़ी ज़्यादा, और कल हमने बनाए थे जी मटन पुलाव, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज क्या करें, आज क्या बनाएँ। मैंने आज किए हैं जी, मज़ेदार से बनाऊंगी मैं कढ़ाई, और सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, कितना भी आप ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने 5 से 6 अच्छे साइज़ के टमाटर मैंने जो है वो काट के डाले हैं, और इसको मैं थोड़ा सा करूँगी फ्राई, और फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ मसाले। चिकन जो है वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। चिकन को मैं करूँगी थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट, और जैसे ही चिकन डीफ्रॉस्ट होगा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। डीफ्रॉस्ट ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फ्रोज़न ही ऐड करूँगी। तो जैसे ही इसके अंदर ये मसाला भुनेगा, हमारी कढ़ाई भी साथ ही रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी, अभी हम फिलहाल तो चिकन टमाटर को अच्छी तरह से करते हैं, भूनते हैं, और फिर हम इसमें डालते हैं मसाले। तो ये देखिए जी, हमारे जो है वो टमाटर जो हैं वो भून रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो छोड़ रहे हैं। तो साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे मसाले हैं जी, हम इसमें डालेंगे नमक, किसी भी काली मिर्च, जीरा, अजवाइन मेरे पास ख़त्म हुई भी, आपके पास है तो आप डाल लें, और साथ में डालूंगी जी साबुत धनिया, और थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। ज़्यादा मेरी कोशिश है कि मैं इसको काली मिर्च की के कढ़ाई बनाऊँ, काली मिर्च से बनाऊँ, लेकिन आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो आप वैसे भी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एक मसाले इसके अंदर डालूंगी, बाद में मैं इसका टेस्ट करके बैलेंस कर लूँगी। अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी हुई तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। चलिए फिलहाल हम ये मसाले डालते हैं टमाटरों में। तो चलिए जी, ये मसाले हमें डाल रही हैं इस टमाटरों में, और हम भूनते हैं जी टमाटरों को अच्छी तरह से। चलें जी, के टमाटर हमारे जो हैं वो भून रहे हैं, और मसाला भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और आज मैं ऑलमोस्ट थोड़ी तेज़ी रखी हुई है। तो जैसे ही टमाटर भूनते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ जी, हम इसके अंदर फिर चिकन ऐड करेंगे, और फिर हमारी कढ़ाई रेडी होने को तैयार होगी। कढ़ाई बहुत ईजी सी रेसिपी होती है जी, ये जल्दी बन जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो चलें जी, हम टमाटर को भूनते हैं, और इसके अंदर फिर हम चिकन डालते हैं, और ये देखें जी टमाटर आस्ते आस्ते पानी छोड़ रहे हैं। जब हम मसाले इसके अंदर पहले डाल देते हैं, जितना टमाटर अभी पूरी तरह से नहीं गले थे, मैंने मसाले डाल लिए, तो नमक वगैरह जो होता है उससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो ये ट्रिक होती है कि जब भी आप खाना बनाएं तो आप पहले नमक ऐड कर दिया करें, ताकि जो मसाले हैं ये टमाटर है ये पानी छोड़ते हैं, और ये जल्दी से गल भी जाते हैं और भुन भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े मसाले जल्दी डाले हैं, ताकि ये टमाटर जो है नरम हो जाए और अपना पानी छोड़े, और मैं इसको आराम से अच्छी तरह से भून लूँ। फिर देखिए, इसको बस मैं भूनती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। ये देखिए जी, टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं जी चिकन, और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। हम चिकन डालते हैं, थोड़ा सा हम उसके साथ पानी डालेंगे, ताकि वो जो टमाटर में कसर है थोड़ी बहुत ये ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बस इसको मैं थोड़ा सा पानी भी साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको ढक कर रखते हैं, इतने में जो है वो चिकन भी डीफ्रॉस्ट होकर अच्छी तरह से अलग अलग हो जाएगा, और वो ऑलमोस्ट गल भी जाएगा, और साथ हम इन द एंड हैं इसको भून लेंगे, और पानी भी सारा खुश्क हो जाएगा, तो हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी होती है। चलिए जी, फिलहाल हम इसको रखते हैं ढककर, ऑलमोस्ट हम 15 मिनट तक ढककर रखते हैं, ताकि चिकन जो है वो अलग हो जाए और नरम हो जाए। चिकन जल्दी गल जाता है, तो एंड में जब हम इसको भूनेंगे तो चिकन जो है वो बगिया जो उसके अंदर कसर होगी, वो चिकन तब अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो चलिए जी, इसको हम रखते हैं अब ढककर आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार जो है वो कढ़ाई रेडी हो गई है। चलिए जी, हम करते हैं जी लंच, और आप कहते हैं जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।